सिंपल मॉड्यूल्स के बाद हम मूव ऑन करते हैं सेमी सिंपल मॉड्यूल्स के ऊपर। सो सेमी सिंपल मॉड्यूल को अगर देखना हो तो ये एक मॉडल पजल की तरह होती है, जैसे जिसमें आपके पास ब्रोकन पीसेज होते हैं, जब आप उनको जोड़ते हो तो आपके पास एक प्रॉपर पीस बनता है। सो सेमी सिंपल मॉड्यूल को अगर आपको एक लाइन में याद रखना हो तो बेसिकली ये एक मॉड्यूल होता है दैट कैन बी एक्सप्रेस एज डायरेक्ट सम ऑफ सिंपल मॉड्यूल्स। तो सिंपल एग्जांपल के लिए अगर हम कंसीडर करें, आप किसी मॉड्यूल कैपिटल एम में आप इसे सेमी सिंपल मॉड्यूल बोलोगे अगर आपके पास N1 और N2 दो ही मान लेते हैं हम, ठीक है, ये दोनों आपके पास क्या होंगे, सिंपल मॉड्यूल्स होंगे। अगर आप इसके डायरेक्ट सम की फॉर्म में लिख सकते हो, N1 और N2 के डायरेक्ट सम की फॉर्म में लिख सकते हो, तो आपके पास एम क्या हो जाएगा, सेमी सिंपल मॉड्यूलों का। सिंपल मॉड्यूल को हम इरिड्यूसिबल भी बोलते हैं, सिंपल मॉड्यूल को क्या बोलते हैं, इरिड्यूसिबल, ठीक है, और जबकि सेमी सिंपल मॉड्यूल को हम रिड्यूसिबल बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यही है कि सेमी सिंपल मॉड्यूल की डेफिनेशन कि सम ऑफ सिंपल मॉड्यूल, सम ऑफ सिंपल मॉड्यूल्स, सिंपल का मतलब इरिड्यूसिबल मॉड्यूल्स। तो ये लाइन आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इससे रिलेटेड तीन एक दो स्टेटमेंट्स की जो रिमार्क्स है, अगर m आपके पास सेमी सिंपल है, m आपके पास क्या है, सेमी सिंपल है, सेमी सिंपल मॉड्यूल है, और n आपके पास कोई सब मॉड्यूल है, n क्या है, कोई भी सब मॉड्यूल है, तो n और m by n ये दोनों आपके पास क्या होंगे, सेमी सिंपल होंगे, ये दोनों क्या होंगे, सेमी सिंपल होंगे। नेक्स्ट आर्बिट्रेरी डायरेक्ट सम ऑफ सेमी सिंपल मॉड्यूल्स इज सेमी सिंपल। मान लेते हैं कि आपके पास m1 m2 m3 ये तीन सेमी सिंपल मॉड्यूल्स है, ये तीनों क्या है, सेमी सिंपल मॉड्यूल्स। अगर आप इसका सम करोगे तो आपके पास क्या आएगा, वो भी फर्दर एक सेमी सिंपल मॉड्यूल ही होगा, वो क्या होगा, सेमी सिंपल मॉड्यूल। थर्ड और लास्ट कि अ मॉड्यूल एम इज फाइनाइटली जनरेटेड, ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है कि मॉड्यूल एम इज फाइनाइटली जनरेटेड एंड सेमी सिंपल इफ एंड ओनली इफ इट इज आर्टिनियन एंड इट्स रेडिकल इज जीरो। ये स्टेटमेंट बस आपको याद रखनी है, राइट, कि कोई भी मॉड्यूल एम अगर वो फाइनाइटली जनरेटेड है और सेमी सिंपल है, वो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ अगर वो आर्टिनियन होगी और उसका रेडिकल किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं कि सेमी सिंपल मॉड्यूल्स की डेफिनेशन आपने देख ली, अगर एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहला एग्जांपल है आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। सो वी कंसीडर अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी ओवर अ फील्ड एफ। कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होते हैं वो सेमी सिंपल मॉड्यूल की तरह बिहेव करेगा, बिकॉज वी कैन डीकम्पोज, हम उसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं एज अ डायरेक्ट सम ऑफ वन डायमेंशनल सब स्पेस। जैसे मैंने आपको बोला कि आर क्यूब आपके पास कोई वैक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन 3 है, तो आप आर क्यूब को आर प्लस आर प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हो। बेसिकली आपने इसे डीकम्पोज कर दिया तीन वन डायमेंशनल सब स्पेस में, और हर वन डायमेंशनल सब स्पेस क्या होते हैं, एक सिंपल मॉड्यूल होते हैं। तो ये हमने बोला कि ये सेमी सिंपल है, ये क्या है, ये सेमी सिंपल मॉड्यूल है, और ये सारे क्या है, सम ऑफ सिंपल मॉड्यूल्स, सम ऑफ सिंपल मॉड्यूल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैट्रिक्स रिंग, आर कोई आपके पास रिंग है और एम आपके पास इस तरीके से है, आर की पावर एन, एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो एम कंसिस्ट कर रहा है आपके पास कॉलम वेक्टर्स ऑफ लेंथ एन विद एंट्रीज फ्रॉम आर, ठीक है, ये आपके पास क्या बिहेव करेगा, सेमी सिंपल मॉड्यूल बिहेव करेगा, क्योंकि आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, डिकम्पोज कर सकते हो एन कॉपीज ऑफ आर। जैसे मान लो, कहने का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है 5 7 8 9, तो आप इसे ब्रेक डाउन करके ऐसे लिख सकते हो ना, 5 0 0 0 प्लस 0 7 0 0 प्लस 0 8 0 8 0 प्लस 0 0 0 9। तो अगर मैं ये कंसीडर करूं जो आपके पास ये है, ये प्रॉपरली एक सिंपल मॉड्यूल बन रहा है, ये एक सिंपल मॉड्यूल है, ये एक सिंपल है और ये सिंपल मॉड्यूल है, तो ये जो सेमी सिंपल मॉड्यूल होगा इस तरीके का, उसे आप ब्रेक डाउन करके ऐसे लिख सकते हो। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मैट्रिक्स रिंग्स आर सेमी सिंपल मॉड्यूल्स, राइट। देन पॉलिनोमियल रिंग्स में भी क्या होगा, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है लाइक ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, तो उसे हमने किस फॉर्म में लिखा, डायरेक्ट सम ऑफ वन डायमेंशनल सब मॉड्यूल जनरेटेड बाय मोनोमियल्स। तो
तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो ना कि ए नॉट वन से जनरेट हो रहा है, देन ए वन ये एक्स से जनरेट हो रहा है, प्लस ए टू फिर एक्स स्क्वायर से जनरेट हो रहा है। तो ये सेमी सिंपल मॉड्यूल, ये सिंपल मॉड्यूल है, ये भी सिंपल मॉड्यूल है, ये भी सिंपल मॉड्यूल होगा एक्स स्क्वायर। तो ये जो पॉलिनोमियल था 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, इसे आपने लिख दिया सम ऑफ सेमी सिंपल मॉड्यूल्स। तो आपको फाइनली याद रखना है कि पॉलिनोमियल रिंग्स भी क्या होती है, सेमी सिंपल मॉड्यूल होती है। देन क्वोशेंट मॉड्यूल्स, क्वोशेंट मॉड्यूल की बात करें तो आपके पास क्या होगा कि इफ यू हैव अ सेमी सिंपल मॉड्यूल एम, अगर आपके पास सेमी सिंपल मॉड्यूल एम है और कोई सब मॉड्यूल है एम एन जो कि एम का सब मॉड्यूल है, तो हम बात कर रहे हैं एम वाई एन, तो एम वाई एन भी क्या होगा, सेमी सिंपल होगा। ठीक है, दिस फॉलो फ्रॉम द फैक्ट दैट इफ एम इज अ डायरेक्ट सम ऑफ सिंपल मॉड्यूल्स एंड एन इज अ सब मॉड्यूल। अगर एम आपके पास डायरेक्ट सम है किसका, सिंपल मॉड्यूल्स का, मान लो एस वन और एस टू, और एन आपके पास कोई सब मॉड्यूल है, एन क्या है, सब मॉड्यूल है, then the quotient m by n is a direct sum of quotients of those simple modules। तो बस आपको ये याद रखना है कि quotient module है जो ये आपके पास, ये simple module होगा। चार examples discuss किए हमने, number one finite dimensional vector space, number two matrix ring, number three polynomial ring, number four quotient modules। right, एक बार फिर से मैं लिखता हूँ ये वाले सारे examples। सबसे पहले सेमी सिंपल मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, सेमी सिंपल मॉड्यूल का मतलब है कि कोई मॉड्यूल आपके पास m है, अगर आप उसे n1 plus n2 मतलब कि सम ऑफ सिंपल मॉड्यूल्स की फॉर्म में लिख सको तो वो सेमी सिंपल है। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इसका एक एग्जांपल है, फाइनाइट रिंग्स आपके मतलब जो मैट्रिक्स रिंग्स है वो आपके पास एक एग्जांपल है, देन पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल है, देन क्वोशेंट का, पॉलिनोमियल रिंग जो आपके पास होती है वो सेमी सिंपल मॉड्यूल बिहेव करेगी, क्वोशेंट एम आपके पास कोई भी सेमी सिंपल मॉड्यूल है और एन आपके पास कोई सब मॉड्यूल है एम का, तो एम बाय एन ये आपके पास क्या होगा, सेमी सिंपल मॉड्यूल होगा। राइट, सो ये सारे एग्जांपल्स थे हमारे पास और डेफिनेशन थी जो कि मोर देन इनफ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। करते रहिए आप HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अभ्यास स्कूल क्लासेज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्री मॉड्यूल की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स।